वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट में सरकार ने कुछ बड़ी घोषणा नहीं की जिससे जश्न मनाया जा सके। हालांकि सरकार ने पिछले साल किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का जो लेखा जोखा दिया उनकी तारीफ जरूर की जा सकती है। वित्त मंत्री ने करीब एक घंटे तक बजट भाषण दिया, तो आइए कुछ पॉइंटर्स में जानते हैं कि बजट के पिटारे से क्या निकला। सैलरी क्लास को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव होगा, वहीं महिलाओं के लिए कोई अलग से स्लैब बन सकता है, लेकिन यहां अंतरिम बजट में इस पर कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी जो टैक्स स्लैब पहले से चल रहा था वही लागू रहेगा। सरकार का फोकस सेवा बढ़ाने पर है। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए ऐलान करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे करोड़ों रेल यात्रियों को सहूलियत होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और फिर से कुशल बनाया है, 3,000 नए ITI स्थापित किए गए हैं, बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 5 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ दीदी लखपति बन गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए राज्यों की भी मदद करेगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2010 से पहले लंबित टैक्स मामले और डिमांड वापस होंगे। इनमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की राशि फंसी है। इससे 1 करोड़ करदाताओं को कानूनी झंझट से निजात का दावा किया। अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार ने कर्ज का लक्ष्य इस साल से कम रखा है। हालांकि असली बजट जुलाई में आएगा, फिर भी ये राहत की उम्मीद जताती है। एनर्जी, मेटल एंड सीमेंट के लिए 3 नए रेलवे फ्रंट कॉरिडोर का ऐलान किया है। महिला और बाल कल्याण स्कीमों के व्यापक पुनर्गठन की तैयारी की है। कई कार्यक्रमों में एक बड़ी स्कीम के दायरे में लाने का ऐलान किया है। खर्च में कटौती की कोशिश की है। इसके अलावा मध्य वर्ग के लिए नई आवास योजना का संकेत भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार लड़कियों के टीकाकरण पर खास ध्यान देगी ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। और आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहे न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।